सतना के श्री संत धाम आश्रम में चल रहे सनातन जागृति महोत्सव में शामिल होने देश के कोने कोने से पधारे संत समाज की ऐतिहासिक शोभा यात्रा सिंधी कॉलोनी स्थित माधव गुणवंती हॉल से निकाली गई। संत शोभा यात्रा में सर्वप्रथम महंत स्वामी ईश्वरदास जी ने आए हुए सभी संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात संत शोभा यात्रा माधव गुणवंती हॉल से प्रारंभ होकर बाबा दयाल दास श्री संत धाम मार्ग सब्जी मंडी होते हुए श्री संत धाम आश्रम में विश्राम हुआ। संत शोभा यात्रा का सर्व समाज द्वारा जगह जगह फूल वर्षा कर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन धर्मियों को अब भगवा पूजन, देव पूजन, संत पूजन, शास्त्र पूजन के साथ साथ शस्त्र पूजन भी करना पड़ेगा। हिंदू धर्मावलंबियों ने शस्त्र पूजन करना छोड़ दिया है, इसलिए विधर्मी मेवात जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सतना में इतना बड़ा संत सम्मेलन का आयोजन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की दिशा में अवश्य ही मील का पत्थर साबित होगा।